करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर और मेरे साथ है हमजा जहांगीर और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो जैसा कि आपने थीम देख ही लिया है हमारा, कि इस बार हम वर्ल्ड कप की टीम कंपैरिजन लेके आए थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की, 16 जून के मैच। हम ये बता दें कि हम बहुत जल्द पब्लिक रिएक्शन लेकर आ रहे हैं, पब्लिक रिव्यू का, पब्लिक रिव्यू लेके आ रहे हैं, लोगों का बाहर से लेके आए हैं। लोग बुमराह के बारे में क्या सोचते हैं, इंडियन फास्ट बोलिंग लाइन जो स्ट्रॉन्ग होगी उसके बारे में सोचते हैं, स्पिनर्स के बारे में सोचते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो तो आप देख सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी, आई थिंक पहले पाकिस्तान की बात कर लेंगे। ठीक है कि पाकिस्तान अपनी कौन सी टीम वर्ल्ड कप के इस महा मैच में, महा घमासान में उतारेगा। ठीक है, 16 जून को जब दो भाई आपस में खेलेंगे, प्यार मोहब्बत बांटेंगे, ठीक है, और एक साथ एंजॉय करेंगे, बेसिकली ये गेम है। ठीक है, गेम का सबसे बड़ा मैच होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, और मैं चाहता हूँ कि होना भी देखेंगे कि ये मैच कौन जीता है। आया जिस दिन ये मैच है ना वो दिन बड़ा अजीब है। तो आया ये मैच कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया या बारिश? ठीक है, बारिश जीत जाए। तो ये तीन इस मैच में जो है ना, तीन लोग एक साथ उतरेंगे, मैच होना चाहिए। कौन जीता है, बारिश जीती है, पाकिस्तान जीता है? एक साल पहले मुझे पता लगा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और तू कह रहा बारिश होगी। हम तो पाकिस्तानी भी कहते हैं हार हो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। ये तो वक्त आने में बताएगा, अभी जैसे कल हारे थे तो कैसा प्यार नजर आ रहा था, मेरा तो दिमाग घूम गया था। जब 150 पे जो है ना 40 पे दो उठे और उसके बाद ये जो है ना 8-10 रन के अंदर 4 विकेट गवाई हमने, और मेरा तो दिमाग घूम गया। मैं यार क्या मैच हूँ, मैंने मैच छोड़ दिया, मैं काम करने के लिए चला गया। मैं चलो यार तो ऑल आउट हो गई होगी। वापस गया तो हसन अली ने 3-4 छक्के मार दिए मैच में, वापस आ गए। फिर आमिर आज ने आके अच्छी बैटिंग, फिर उम्मीद जागी कि यार हम तो वर्ल्ड ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि 50 रन चाहिए और तकरीबन 42 बॉलों पे और 7 विकेट हैं, लेकिन कप्तान हमारा बीच में खड़ा है और साथ में हमारे बाबरे आज खड़े हैं जो 45 रन बना के खड़े थे। सो उम्मीद तो बड़ी थी हमें, लेकिन अब मेरे जैसा इंसान ये समझ रहा था यार स्टार्क को जो है ना आपने नहीं खेलना, ठीक है, बाकी जो बाद वाले बॉलर थे उनके खिलाफ हम रन बना लेंगे। तो वो पिछला ओवर ऐसे ही किया था हमने, कि अगला ओवर में भी वो वहाब रियाज की कोशिश यही थी कि मैं इसकी बॉलों पे हिट ना करूं, सिंगल लेके, लेकिन वो सिंगल डबल एज करके तो बस निकल गया एज। और अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, और उसके बाद एक और गलती हुई हमसे, पाकिस्तान टीम की बात ही कर रहे हैं, कि जो आमिर आउट हो गया, आमिर के बाद शाहीन अफरीदी आया, एक तरफ सरफराज खड़े थे, तो सरफराज को चाहिए था कि वो लास्ट बॉल पे सिंगल ना लेते। हम समझते हैं, हमें तो क्रिकेट के बारे में इतना इल्म है ही नहीं, कि हम समझते हैं कि यार लास्ट बॉल है, आप लास्ट मैन है, आप कप्तान है, आप अच्छे रन बना रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर बैट्समैन है कि पूरा ओवर अगला आप खेलें। आपने लास्ट बॉल पे सिंगल लेके खुद को साइड पे कर लिया, उसको फिर सामने खड़ा कर दिया, सामने आ गया, कैसे सिंगल लिया। तो ये मुझे जरा ना बातें जो है ना अच्छी नहीं लगी यार, ये क्या लास्ट बॉल पे हमेशा सिंगल लेना चाहिए था, लेकिन ये मतलब है कि ये कोई प्रॉपर कैप्टनसी वाली बात नहीं है। मैं अपने अल्फाज को बड़े नाप तोल के बयान कर रहा हूँ। आप खुद अगर साथ रहे कि अगर बुमराह और विराट कोहली क्रीज पर खड़े होते तो नहीं, हम विराट कोहली के साथ मुआवजा नहीं करते, हम कहते हैं जी बुमराह के साथ केदार यादव खड़े हैं जी, आपके ऑलराउंडर बैट्समैन, ठीक है, तो केदार क्या करेंगे? मैं सामने हूँ कि वो कहेंगे बुमराह तू आ जा लास्ट बॉल खेलने के सिंगल लेके, तो ये वो चीज लास्ट बॉल पे सिंगल लेके पूरा ओवर आपने खेलना है, बुमराह हो गया। सो अब हम चलते हैं जी आज के मैच की जो गलतियां हैं, ये गलतियों से हमें सबक सीखा है इंशाल्लाह, और हम इन गलतियों सबक सीख के एक जैसे काउंटर अटैक करने वाली बात होती है ना, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक, काउंटर अटैक करने के लिए हम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको हसीन कहते हैं,
ठीक है, आप हसीनो जमील लोग हैं, तो उस लिहाज से हम ये बात कहेंगे, पचना ए हसीनो लो हम आ गए अगले बड़े टूर्नामेंट में, नया मैच लेके अगले बड़े टूर्नामेंट में, हाँ वर्ल्ड आईसीसी के टूर्नामेंट, अब हम आ गए हैं आप, तो अब हम अपनी बात कर लेते हैं कुछ कि हमारे पास जो बैटिंग लाइन है उसमें तकरीबन कोई ज्यादा चेंजिंग करने वाले नहीं है, मुझे लगता है सेम टीम खेलेगी, बिल्कुल वही होंगे, इमाम होंगे, फखर होंगे, साद बाबर होंगे, नीचे हफीज होंगे, मलिक होंगे और आसिफ होंगे और सुबह सरफराज होंगे और जो है ना जो हमने गलती की थी शहीन को खिला के शादाब को बैठाने वाली वो गलती खत्म करेंगे, हमारी टीम में शादाब होंगे और साथ में जो पेसर आमिर है हमारा, और आमिर ने हमारे लास्ट मैच में इस वक्त वर्ल्ड कप के लीडिंग रन विकेट टेकर हैं मोहम्मद आमिर होंगे, ठीक है, और उसके बाद वहाब रियाज होंगे, ठीक है, और साथ में हसन अली होंगे, तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि मेरी टीम ये होगी, यही टीम होगी और लगता भी यही है कि यही टीम खेलेगी, तो क्योंकि तब्दीली नजर नहीं आ रही इसके अलावा कोई तब्दीली हो सकती है। और दूसरी टीम जो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की टीम में क्योंकि हमारे जो हैं शेखर भाई, ठीक है, वो बड़ा दुख हुआ कि यार वो हमारे खिलाफ मैच में नहीं होंगे बल्कि आगे भी सुना कि 2-3 हफ्तों के लिए जो है ना वो आउट हो गए हैं, तो इसलिए जो है ना ये एक सेटबैक है इंडिया की टीम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, नो डाउट के एक पार्टनर होता है रोहित शर्मा के साथ वो होंगे, तो होते हैं तो एक जिसे कहते हैं ना कि रोहित शर्मा शर्मा को भी जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, बंदा यार मेरे साथ बड़ा मेरा परमानेंट पार्टनर है, तो वो नहीं होंगे तो थोड़ा सा जो है ना वो हो सकता है, अदरवाइज इतना खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, और दूसरा एक वो बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं शेखर के, उनके साथ जो है ना शेखर अगर आते हैं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन मान जाता है, तो ये बड़ा अच्छा होता है टीम के लिए, अब राइट हैंडर है तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है कि अब जो है ना बॉलें अंदर लानी है उधर से बस, ठीक है, समझ गया ना आप, तो ये करना है। उसके बाद जी जो मुझे लगता है कि आपकी ओपनिंग खेलेगी वो रोहित शर्मा के साथ के राहुल होंगे, ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास आएंगे जी विराट कोहली, तो विराट कोहली के बाद जो मुझे लग रहा है कि वो नंबर होगा विजय शंकर का, तो विजय शंकर जो है वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले हैं, वर्ल्ड कप का डेब्यू, वर्ल्ड कप का डेब्यू, तो ये वर्ल्ड कप में उनका पहला मैच होगा, तो वर्ल्ड कप का डेब्यू जरूर खेलेंगे, वर्ल्ड कप में पहला मैच खेलेंगे, तो ये तो उनके वर्ल्ड कप का पहला मैच, वर्ल्ड कप का तो पहला मैच, तो वो वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगे वर्ल्ड कप का, तो उसके बाद जनाब जी होंगे जी एमएस, ठीक है जी, और एमएस के बाद होंगे केदार यादव होंगे, ठीक है, और उसके बाद होंगे जी हार्दिक पांड्या, और पांड्या के बाद होंगे आपको पता है कुलदीप होंगे, या बल्कि भुवनेश्वर कुमार पहले आएंगे, उसके बाद फिर जनाब कुलदीप चाहल एंड बुमराह, नहीं बात यह है कि इंडिया भुवनेश्वर कुमार खिलाएगा कि शामी को खिलाएगा, शामी भाई ये तो ये मेरी बात सुन, ये तो डिबेट ही खत्म हो गई है कि भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे या शामी खेलेंगे, क्यों, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार तो इतनी लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने तो मैच जिताया, उन्होंने 3 शिकार किए थे जब वो सबसे कम रन देंगे, तो उनको वो तो उनका जो है ना सिर्फ वर्ल्ड कप के पहले मैच में था कि यार पहला कौन, क्योंकि पता नहीं था ना क्या क्या कारकर्दगी होगी, लेकिन उन्होंने कारकर्दगी पेश करके तो उन्होंने तो अपना जैसे कहते हैं ना कि सिक्का बिठा दिया और अपनी जो है ना टीम में जगह पक्की कर ली कि अब आप मुझे निकाल के दिखाओ, क्यों उन्होंने परफॉर्म कर दिया, ठीक है, अब शामी आए तो चौथा पेसर लाएंगे तो आएंगे, या कुलदीप को बिठाओ या चाहल को बिठाओ, हाँ जी तो अब वो ऐसे ही हो गए जैसे मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज टीम से नहीं ना जा सकते, इस तरह बुमराह और भुवनेश्वर टीम से नहीं जा सकते, उनकी जरूरत पक्की हो गया है टीम में जगह के लिए, तो ये तो पक्के पांड्या है उनके पास, और साथ में विजय शंकर बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं, हाँ जी 4 पेसर उनके पास ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है, तो ये टीम में बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, और साथ में फिर 2 स्पिनर आ जाते हैं, ठीक है जी, 2 स्पिनर कुलदीप और चाहल, और एक्स्ट्रा स्पिनर के लिए अगर आप जाए तो केदार यादव है, ठीक है, तो
बहुत खतरनाक किस्म की साइड बन गया है। इनफैक्ट अगर शेखर धवन की जगह अगर शंकर आ गए हैं तो बॉलिंग लाइन मजीद मजबूत हो गई है, तो ये वो चीज है। और पाकिस्तान की तरफ से हम देखें तो हमें पांचवें बॉलर की हमें कमी महसूस होती है, क्योंकि हम चार तो परमानेंट बॉलर्स हैं हमारे पास, लेकिन पांचवें बॉलर के तौर पर हम हफीज और मलिक भाई का जो है ना इंतखाब करते हैं, कि हमें पता होता है कि ये बीच के ओवर में जो है ना शुरू में तीन चार ओवर निकलवाएंगे हफीज से, और उसके बाद बीच में जो है ना उसके बाद बीच में हम जो है ना मलिक से दो तीन ओवर निकलवाएंगे, ठीक है जल्दी जल्दी आके बाद दो तीन ओवर निकाल जाएं, इस तरह क्या होगा सात ओवर हो जाएंगे, फिर बीच में जल्दी जल्दी चलो यार वो फिर शताब्दी तो दस पूरे कराने हैं ना, फिर हफीज से दो तीन ओवर पूरे करवाएंगे, ठीक इस तरह हफीज सात ओवर करा लेंगे और मलिक तीन चार ओवर करवा के तो दस ग्यारह ओवर का कोटा पूरा करवाएंगे, बीस ओवर ये हमारा वो पांचवा स्पिनर है, ठीक है। तो पांचवा बॉलर की ये कहानी है, और शादाब खान तो नो डाउट पूरे ही ओवर कराएंगे, हफीज तो सारी दुनिया को पता है बहुत अच्छे स्पिनर है, अच्छी स्पिन करते हैं, वर्ल्ड नंबर वन आवर हाँ। लेकिन एक जो मुझे थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम लग रही है ना वो ये है कि वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, तो इंडिया की टीम में मां सिवाय कुलदीप के कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, पहले शेखर थे तो अब उनको मुझे लगता है कि राउंड द विकेट आके शोएब मलिक की तरह विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी पड़ेगी, ताकि वो रूम ना दें और टांगों में फंसा के रखें और ओवर निकालें। दूसरी तरफ शादाब खान के ऊपर अब जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है कि वो जो है ना रिस्ट स्पिन का इंतखाब करें, फ्लैटर ट्रेजेडी करेंगे या फ्लाइटेड बॉलिंग करेंगे, रॉन्ग वन कितना अच्छा करते हैं, उनका बॉल स्विंग कितना अच्छा होता है, ये होगा। और अब देखेंगे कि हसन अली ने फाइनली वर्ल्ड कप में विकेट ले ली है, ठीक है, तो वो आगे जाके क्या करते हैं। तो वहाब रियाज और जो अहम चीज बात है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि हम फील्डिंग कैसे करते हैं, आप ठीक है, हमने पिछले मैच में 307 रन बनवाए हैं, वो इस तरह बनवाए हैं कि हमने खुद बना के दिए हैं कि शुरुआत में हमने कैच नहीं पकड़े, 35 रन के करीब हमने जो है ना कैच छोड़ा था, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कंट्रोल किया है, रन रोका 100 रन, नो डाउट हमने तकरीबन 100 रन रोका है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो मुझे लग रहा था कि मैं मान चुका था कि 400 पक्का है, ठीक है, लेकिन वो जो है ना जो कमबैक दोबारा किया ना हमने वो लाजवाब था, खासतौर पर जो उन्होंने किया है आमिर ने, मेरे ख्याल में आमिर से पहले ही जो है ना शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि आमिर के बाद और शाहीन शाह ने जो दो विकेट ली थी ना वहां पे जो है ना मैच में वापस आ गए थे, ठीक है, क्योंकि वो जैसे ही वो आउट हुए तो वो ऐसी है गुस्से में बॉलिंग करता है, लेकिन गुस्से से काम नहीं ना चलता, गुस्से के साथ दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा चाहिए, जैसे हमने पिछले मैच बॉलिंग की है सिर्फ आमिर को छोड़ के या वहाब ने अच्छी बॉलिंग की है नो डाउट, तो उसके अलावा आप देखें हसन आप और दो मैच हैं हसन और शाहीन ने तो वो समझ नहीं आ रही बॉल, सबसे पहले विकेट वहाब ने 10वें ओवर में निकाल दिया 10 ओवर के अंदर फिंच की लेकिन कैच छोड़ दिया, दोबारा फिर वहाब ने विकेट निकाले फिर कैच छोड़ दिया वार्नर करे, अब इंटरनेशनल प्लेयर हैं बार बार थोड़ी ना कैच लेंगे, वो जब दोबारा कैच पकड़ा गया तो वो सरफराज ने पकड़ा कहता शुक्र है कैच पकड़ा गया, तो ये वो मैंने उसके जो ना उसके जो लग थे ना उनको पढ़े हैं उन्होंने पता लगे वो क्या कह रहा है, तो बहरहाल आप 16 जून ज्यादा दूर नहीं है, तो आज जुमा है आपके पास, हमने जुमेरात की रात को ही बनाई है वीडियो, तो हफ्ता इतवार को मैच होगा, तो कल ही आज इंशाल्लाह आपके पास पब्लिक रिव्यू भी पहुंचाएंगे, सो आप दोस्तों के नाम ले लेते हैं जी, अब कुछ दोस्तों के नाम ले लेते हैं, तो हमारे पास इट्स बनी है, शान भट्ट है हमारे पास, चिलेंदर कुमार हैं, और उसके बाद हमारे पास है इलियास तबली हैं, हमारे पास सोलानी डोबे हैं, और हमारे पास हैं जी साशी शाह हैं, बिन्नती कलीता हैं, और विलो सना हैं, तो काफी दोस्त हैं जिनके हमने नाम ले लिए और कई दोस्त हैं जिनके नाम नहीं ले सके, काफी लोग हैं जो बार बार कमेंट करते हैं फर्स्ट उन्होंने कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया, हाँ ये तो है। अच्छा अब आपने हमें जरूर बताना है अपनी इच्छा पूरी, आपको क्या लगता है कि जो है ना कौन सी टीम खेलेगी, ठीक
इंडिया की और पाकिस्तान की? मेरे हिसाब से पाकिस्तान, वहां तो इंडिया इंडिया होगा। हाँ सही बात, पाकिस्तान पाकिस्तान। So, keep watching Pakistan.